क्या किया था, हमने यूनिट चैप्टर सेकंड ईयर टू ईयर रीड किया था और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे थे. ओके, सो ईयर टू ईयर में क्या था, हमने ये पढ़ा था कि जैसे हमारे ईयर होते हैं, हम अपने कानों से सुनते हैं, वैसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके कान होते हैं और वो उनसे क्या करते हैं, चीजें सुन सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन करते हैं. ओके, जैसे गाय जब हमारे घर के सामने आती है और हम उसे भगाना होता है तो हम क्या करते हैं, हट की आवाज निकालते हैं या फिर डंडे से मारते हैं या डंडा बजाते हैं तो उसे सुनाई देता है, वो वहां से चली जाती है. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स हैं जिन्हें क्या होता है, उनके ईयर से वो सुन के वो एक्शन फॉलो करते हैं. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके कान में शो होते हैं और कुछ एनिमल्स हैं जिनके कान में नहीं दिखते हैं. ओके, ये भी हमने राइट किया था. ऐसे एनिमल जिनके कान हम देख सकते हैं जैसे टाइगर, पिग, कैट, ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं और जिनके कान में नहीं दिखते हैं, जैसे लिजर्ड, स्नेक, ये ऐसे एनिमल हैं जिन्हें आप देखोगे तो आपको इनके ईयर्स नहीं दिखाई देंगे. ओके, सो हमने कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आंसर राइट डाउन किए थे, आज हम करेंगे 4 क्वेश्चन. सो 4th क्वेश्चन क्या है, व्हिच एनिमल लेज एग्स, राइट इट इन 5 नेम. आपको ऐसे एनिमल के नाम लिखना है जो क्या देते हैं, एग देते हैं. कुछ एनिमल होते हैं जो एग देते हैं और कुछ एनिमल होते हैं जो बेबीज को बर्थ देते हैं. ओके, सो आज हम उनके बारे में देखेंगे, कौन सा एनिमल है जो एग देते हैं. फ्रॉग, मैन, क्रो, लिजार्ड, पेंगुइन, डक, स्पैरो, क्रो, ऐसे बहुत सारे एनिमल है जो क्या देते हैं, अंडा देते हैं. ओके, आपको सिर्फ 5 नेम लिखना है. देन सेकंड, व्हिच एनिमल गिव्स बर्थ टू बेबीज, राइट एनी 5 नेम. कौन कौन से ऐसे एनिमल होते हैं जो बेबीज देते हैं, एग नहीं देते हैं. फॉक्स, माउस, कैट, पिग, काउ, कैमल, बफेलो, ऐसे बहुत सारे और एनिमल हैं जो क्या करते हैं, बेबीज को बर्थ देते हैं, वो एग नहीं देते हैं. जब वो किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो किसके थ्रू देते हैं, बेबीज और एग्स. फ्रॉग, मैन, क्रो, लिजर्ड, ये ऐसे एनिमल है जो बेबीज को जन्म एग के थ्रू देते हैं. ओके, देन 6th क्वेश्चन इज, हु इज अवर नेशनल एनिमल, हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है. टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल. कौन, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है. हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा नेशनल एनिमल कौन है, टाइगर है. ओके, टाइगर कैसा एनिमल होता है, टाइगर वाइल्ड एनिमल होता है क्योंकि वो कहाँ रहता है, जंगल में होता है. कैसे होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं, पैट एनिमल होते हैं. वाइल्ड एनिमल कौन से होते हैं जो जंगल में रहते हैं, और पैट एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम घर में रख सकते हैं, जैसे कैट, डॉग, काउ. ओके, सो टाइगर कैसा एनिमल होता है, वाइल्ड, क्योंकि वो कहाँ रहता है, जंगल में. 7th क्वेश्चन है, व्हेयर द टाइगर लिव्स, टाइगर कहाँ रहता है. टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल एंड इट्स लिव्स इन अ फॉरेस्ट. वो कहाँ रहता है, फॉरेस्ट मतलब जंगल में रहता है. ओके, सो आपके लास्ट लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन लिखे थे और यहाँ पर है 4, 5, 6 and 7, आपके टोटल 7 क्वेश्चन है. आपको 4th क्लास को आपको ईवीएस की कॉपी बनानी है और चैप्टर 2nd जो आपका है ईयर टू ईयर, इसमें आपको ये 7 क्वेश्चन राइट डाउन करना है. ओके, सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है जिसमें हमने क्या पढ़ा, एनिमल्स के ईयर के बारे में कि कुछ एनिमल के ईयर्स हमें शो होते हैं, दिखाई देते हैं, कुछ एनिमल के ईयर हमें नहीं दिखाई देते हैं. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, बेबीज देते हैं. एनिमल्स अलग अलग होते हैं पर सारे